कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, जो दिल के ख्यालों में अपनी उदास आंखें लेकर भी जिंदगी में रंग भर दे। कुछ ऐसी रही है गुजरे जमाने की अभिनेत्री राखी गुलजार की शख्सियत। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक पर्दे पर प्रेमिका से मां बनने तक के सफर में राखी ने दर्शकों को अपने कई रूप दिखाए। 15 अगस्त 1947 को राणा घाट में जन्मी थी राखी गुलजार। देश की आजादी के दिन जन्मी राखी ने पर्दे पर अपने किरदारों से दर्शकों का दिल मोह लिया था। राखी ने 20 साल की उम्र में फिल्मों में एंट्री ले ली थी। साल 1967 में आई बंगाली फिल्म बधुबरण में वे पहली बार पर्दे पर दिखाई दी थीं। इसके करीब 3 साल बाद 1970 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म आई, जिसका नाम था जीवन मृत्यु। राखी का फिल्मी करियर और निजी जिंदगी दोनों ही काफी चर्चा में रहे। राखी पर्दे की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्हें पर्दे पर जैसे किरदार ऑफर किए गए उन्होंने सहजता से निभा लिए। कभी अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी तो कभी सेक्रेटरी, और वक्त आने पर उनकी माँ का किरदार निभाने से भी पीछे नहीं हटी। राखी ने पर्दे पर कई बेहतरीन फिल्में की, जिनमें शर्मीली, कसमे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, करण अर्जुन, बाजीगर शामिल हैं। पर्दे पर राखी का करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची रही। राखी जब 16 साल की थी तभी उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास के साथ हो गई थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन होने लगी और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि अजय से संपर्क में आने के बाद ही राखी का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ा था। बॉलीवुड में आने के बाद राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक थे। इसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में राखी और गुलजार की मुलाकात हुई और एक ही नजर में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1973 में शादी कर ली। हालांकि गुलजार ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी, और राखी मान गई थी। शादी के बाद दोनों की बेटी हुई मेघना, जो अब एक सफल फिल्म निर्देशक और निर्माता बन चुकी है। राखी ने वादा तो किया था, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा। इसके बाद जब गुलजार फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। बताते हैं कि जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने ज्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को ये सब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने सुचित्रा को वहाँ से निकाला और कमरे तक पहुँचाया। हालांकि राखी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने गुलजार से सवाल किया कि उन्हें अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक छोड़कर कैसा लगा। बताते हैं कि गुलजार इस बात से काफी नाराज हो गए और उनकी राखी से बहस होने लगी। इसी गहमा गहमी में गुलजार का हाथ राखी पर उठ गया। इसके बाद गुलजार ने राखी से माफी मांगी, लेकिन वो ये बातें भुला नहीं पाई। ऐसा कहा गया कि राखी और गुलजार शादी के बाद अलग रहने लगे। हालांकि साल 2020 में राखी गुलजार और अपने परिवार के साथ होली मनाती नजर आई थी। वहीं उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें उन्हें पहचान पाना मुश्किल लग रहा था। साल 2012 में एक इंटरव्यू में राखी ने ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से कहीं ज्यादा बेहतर एक्टर थे। उस इंटरव्यू में राखी ने कहा था कि राजेश खन्ना ने जब तक फिल्मों में काम किया अधिकतर अच्छी फिल्मों में काम किया, जबकि अमिताभ बच्चन ने केवल मार धाड़ वाली फिल्मों में ही काम किया। एक्शन फिल्मों से ही अमिताभ को कामयाबी मिली और बाद में अमिताभ की वे फिल्में भी फ्लॉप ही हुई। साल 2002 के बाद ही अमिताभ बच्चन एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर सामने आए, जबकि राजेश खन्ना ने अपने पूरे करियर में ढेरों शानदार फिल्मों में काम किया था। आमिर खान के बारे में बात करते हुए एक दफा राखी ने कहा था कि उन्हें आमिर की केवल 4 फिल्में ही अच्छी लगती हैं। ये 4 फिल्में थी जो जीता वही सिकंदर, हम है राही प्यार के, लगान और तारे जमीन पर। शाहरुख खान के बारे में राखी ने कहा था कि साल 2000 के बाद से शाहरुख ने किसी भी अच्छी फिल्म में काम नहीं किया है। राखी की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी कभी कभी, जो कि यश चोपड़ा ने बनाई थी। राखी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी। दरअसल इस वक्त तक राखी की शादी गुलजार साहब से हो चुकी थी।
गुलजार साहब ने साफ कह दिया था कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। राखी ने भी गुलजार साहब की ये बात मान ली थी। फिल्म की कहानी और फिल्म के गीत राखी को ध्यान में रखकर ही लिखे गए थे, इसलिए जब राखी ने फिल्म में काम करने से इनकार किया तो यश चोपड़ा ने कह दिया कि वो ये फिल्म बनाएंगे ही नहीं। इसी दौरान राखी प्रेग्नेंट भी हो गई, मगर बेटी के जन्म के बाद जब पति गुलजार से राखी के मतभेद होने लगे तो उन्होंने यश चोपड़ा से कह दिया कि वो कभी कभी में काम करेंगी। फिल्म बनी और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म तो कामयाब हो गई, लेकिन राखी और गुलजार का रिश्ता इस फिल्म के बाद ही असफल हो गया। हालांकि दोनों ने कभी कानूनी तलाक नहीं लिया, लेकिन दोनों के दिल एक दूजे को तलाक कह चुके थे। राखी वैजयंती माला की बहुत बड़ी फैन रही हैं। जब पहली दफा राखी की मुलाकात वैजयंती माला से हुई तो राखी किसी आम फैन की तरह ही उत्साहित थी। बकौल राखी, वैजयंती माला की स्क्रीन प्रेजेंस बेहद शानदार थी। राखी को वैजयंती माला का डांस भी बहुत पसंद था। हालांकि राखी को मीना कुमारी भी बहुत पसंद थी, लेकिन अपने लिस्ट में राखी वैजयंती माला को सबसे ऊपर रखती थी। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि राखी गुलजार का जन्म भारत की आजादी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट में एक बंगाली परिवार में हुआ था। पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 88,750 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य 3 देशों से घिरा हुआ है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता देश के सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। यदि आपने कभी सोचा है कि बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको इसकी वनस्पतियों और जीवों की प्रचुरता, विशेषकर रॉयल बंगाल टाइगर पर विचार करना चाहिए। सुंदरबन एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जाना जाता है, जो ऐसे बाघों के घर हैं। इसके अलावा यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।